My this video is about love towards pets, especially birds and animals both, and about how to care and cure our birds at home. So please take my video positive. Thank you. Assalamualaikum तमाम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शौक अच्छा चल रहा होगा, तमाम अच्छे तरीके से शौक शौक कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा अलग सा है। ये दो तीन दफ़ा मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया है, वजह पूछ रहा था। मैंने कहा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन शायद कुछ जो मैंने चीज़ें की हैं वो ज़्यादातर लोगों ने ना की हों, तो तजर्बा शेयर करने के लिए मैंने कहा इस पर वीडियो बना देनी चाहिए। अच्छा जी, अब ऐसा है कि भाई सवाल क्या था भाई का, उसका सवाल ये था कि भाई मेरी घर में मुर्गी थी, अच्छी खासी थी, अचानक से ही मर गई। रात अच्छी तरीके से बंद की थी, सुबह उठा देखा तो मुर्गी मर गई, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं आपको एक वाक्या भी सुनाऊंगा इसके ऊपर कि मेरे साथ क्या हुआ, बड़ा ही अलग हुआ था। पहले वाक्य सुन लें आप लोग, लेकिन उससे पहले भी एक काम करना है, फ़ौरन जाएं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेंगी, आपको पहले से बेहतर चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश करता हूँ मैं अपने तमाम भाइयों के लिए कुछ ना कुछ फेवरेबल, कुछ अच्छा लेके आऊँ। तो सब्सक्राइब करते हो आपने हेजिटेट नहीं करना, और बेल आइकन तो इतना ज़रूरी बजाना है, इतना ज़रूरी बजाना है कि उसके बगैर मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। जब आप बजाएंगे मेरे दिल में भी घंटियाँ बजती रहेंगी, मुझे भी सुकून आएगा। अच्छा जी, अब मज़े की बात यह है कि भैया आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। भाई एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे पास एक मुर्गा था, मुश्का, बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, इतना ज़्यादा कि क्रेज़ था उसका मुझे, बड़ी पुरानी बात है। तो मेरे उस्ताद भी थे मेरे साथ, मुर्गा निकाला बाहर देखा, मैंने कहा यार उस्ताद जी क्या यार, चासा आ गया, क्या मुर्गा है यार, मज़ा आ गया यार। मुर्गे ने ठाप मारी, मुंह काला किया और मौके भी मर गया। मैं और मेरा साथ एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, ये हुआ क्या, ऐसा भी होता है, ये मेरे साथ हो चुका हुआ है। मुझे उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ, लेकिन बस हो गया, जो चीज़ होनी थी वो हो गई। इसके अंदर मेरे भाई होता क्या, बेसिकली अटैक आ जाता है, जिससे इंसानों में भी असल किसी को दिल का अटैक आ गया, किसी गुर्दे फेल हो गए, फेफड़े काम करना छोड़ गए, तो अटैक आ जाता है। इसी तरह जानवरों में भी ऐसा ही होता है। मैं बता दूं कि जब ये ऐसा हुआ तो मैंने क्या किया, मैं मुर्गा लेके गया, मुर्गा तो मर गया था, मैंने फिर कसाई के पास गया, मैंने कहा इसका पेट चेक करे, अंदर देखे क्या चीज़ इसकी ठीक है या ठीक नहीं है। उसने उसका पेट चेक किया, जब खोला तो देखा उसका जो दिल था ना वो काला स्याह था, काला स्याह हुआ हुआ था, उसके ऐसे रहते जैसे नाड़े बंद हो गई, अटैक आ गया, मर गया। एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ कि अच्छा खासा बंद किया, सुबह देखा तो मुर्गा अकड़ा हुआ था, फिर मैंने खुद ही उसको चाक किया, खोला देखा तो उसकी जो कलेजी थी वो मेरे इस हाथ से भी बड़ी थी, इतनी बड़ी कलेजी उसके पूरे जिस्म के ऊपर, ऐसे सब चीज़ें दबा दी उसने, जैसे सूजी थी कि पता नहीं बड़ी हो गई थी। इस तरह की चीज़ें जानवरों में हो जाती हैं, मैं इसलिए करता हूँ ये सब चीज़ें ताकि मुझे पता लगे कि क्या था उसके अंदर, ऐसा निज़ाम ख़राब हुआ जिसकी वजह से ये अचानक से मर गया। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि जानवरों में भी बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरनल होती हैं, इनको भी अटैक्स आते हैं, दिल का भी हो सकता है, गुर्दों का भी हो सकता है, फेफड़ों का भी हो सकता है, सौ तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं इनके अंदर, ये इनकी वजह ये होती है। अब ये इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, ये होता वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन फिर भी इनसे बचा कैसे जाए, कैसे एहतियात की जाए। भाई सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सर्दियों में ये काम बहुत कम होता है लेकिन उनके साथ होता है जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसा कतई तौर पर नहीं करना। स्टीरॉयड्स का बिला वजह इस्तेमाल करेंगे तो आपका जानवर फौत हो जाएगा, वो नहीं बचेगा, इसलिए स्टीरॉयड से दूर रहें। स्टीरॉयड लाइफ सेविंग ड्रग ज़रूर हैं, बट उनको एट द टाइम ऑफ नीड इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना कभी कभी ना करें, जब ज़रूरत हो तब करें, ठीक हो गया। दूसरी वजह,
स्टीरॉयड से अटैक्स आते हैं। दूसरी वजह माहौल, सर्दियों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ठंड लग गई और मुर्गे को अटैक आ गया, कभी ऐसा नहीं होगा कि ठंड लगेगी और मुर्गे को अटैक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर गर्मियों में होता है, ये पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, ये हीट स्ट्रोक हो सकता है, गर्मी लगी मुर्गे को समझ नहीं आया, दिमाग बंद हुआ, बेहोश हुआ और मर गया, ऐसा होता है। आप लोगों ने गर्मी के अंदर खास तौर पे ख्याल करना, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी पिछली से पिछली, वो लाजमी तौर पे पिछली से पिछली वीडियो देखें जाके, ताकि उनको पता लगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स देने कितने ज़रूरी हैं, गर्मियों के लिए विटामिन सी देना कितना ज़रूरी है, तरबूज खिलाना कितना ज़रूरी है। इनको अंदर से ठंडे रहेंगे, अंदर से साफ सुथरे रहेंगे तो इनको इस तरह के अटैक्स नहीं होंगे। ये तजर्बा करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कोशिश करें कि जो मैंने किया जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ आप उसके ऊपर चलें। किसी के पास कोई बेहतर चीज़ है तो वो आके कमेंट सेक्शन में आके शेयर ज़रूर करें, ताकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। अगर मुझे कोई चार लोग सुनने वाले हैं तो उसकी बात मैं आगे लोगों को पहुँचाऊँगा, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें कि बताते रहा करें इस तरह की चीज़ें। तो खास छोटी सी वीडियो इतनी, कोई इसके अंदर कोई चीज़ टेक्निकल थी नहीं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली, आपको वजह भी बता दी, आपको इसका प्रोटेक्शन भी बता दी कैसे करनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाईजान लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और मेरे भाई बेल आइकन जरूर दबाना। बनवासी से अल्लाह हाफिज़।